प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और इस मौके के लिए देश का हर नागरिक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके मद्देनजर कूनो नेशनल पार्क में तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत रविवार को केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क में चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया था। उन्होंने उस फेंसिंग बाड़ को भी देखा जहां पर नामीबिया से आए चीतों को 30 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। केंद्रीय वन्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कूनो नेशनल पार्क में तैयारियों का जायजा लिया था। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन होगा। यहाँ आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के 174 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर वन्य जीवों की सैकड़ों प्रजातियां भी हैं और पक्षियों की भी 12 प्रजातियां हैं जो दुर्लभ श्रेणी में मानी गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि जिस हिस्से में चीते छोड़े जाएंगे वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।